नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग जो है बहुत बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं फ़ोटोशूट करवाने जा रही हूँ, वो भी बहुत टाइम के बाद। तो हमारा प्लान ये था कि हम बीच पे जाएंगे, जुहू बीच पे अर्ली मॉर्निंग फ़ोटोशूट करेंगे, बस उसकी तैयारी कर रही हूँ आज। लेकिन वो प्लान चेंज हो गया क्योंकि मुंबई में अचानक इतनी तेज़ बारिश आ गई है और बीच पे जाना पॉसिबल नहीं है, फ़ोटोशूट करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम स्टूडियो में ही फ़ोटोशूट करेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। आई विल शेयर द होल प्रोसेस विद यू एंड होप यू लाइक माई व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अगर आप रियल लता सबरवाल को देखना चाहते हैं, मतलब अक्षरा की मम्मी को नहीं, तो आप मेरे व्लॉग्स में मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोज़ आते हैं मंडे, वेंसडे एंड सैटरडे 3 बजे, एंड हफ्ते में एक दिन, दैट इज सैटरडे या संडे, मैं लाइव भी आती हूँ आपसे बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरी तैयारी तो देखेंगे ही, और वेडिंग सीजन चल रहा है तो जो ब्राइड्स भी प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करवाना चाहती हैं उनके लिए भी ये टिप्स हैं। तो फ़ोटोशूट के लिए ना दो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली है अच्छी लाइटिंग। अच्छी लाइटिंग है तो मतलब अगर हमने बिल्कुल ज़रा सा या नहीं मेकअप किया है ना, मिनिमल मेकअप किया है, उसमें भी हमारी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएंगी। एंड अर्ली मॉर्निंग लाइट, आउटडोर लाइट जो होती है अर्ली मॉर्निंग की, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। हालांकि हम वो नहीं कर पा रहे, हम स्टूडियो लाइट पर करेंगे, बट ये चीज़ ध्यान रखिए। एंड दूसरी चीज़ है गुड हेयर एंड स्किन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी स्किन केयर अच्छे से कीजिए एंड हेयर केयर बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अगर बाल अच्छे हैं तो फोटोग्राफ्स बहुत खूबसूरत आती हैं। और उसके साथ एक टिप और शेयर करने वाली हूँ, जो हमारी ब्लोटिंग होती है जिससे हम थोड़े मोटे लगते हैं, उससे कैसे पतले दिखे। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, मेरा शाइन चैलेंज देखे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल एकदम रूखे लग रहे हैं, काफ़ी फ्रिजी भी हो रहे हैं इनफैक्ट। एंड थोड़ी देर के बाद बस आप देखिएगा ये कैसे चमकने लगेंगे एंड एकदम जो है वो सैलून जैसी शाइन एंड स्मूथनेस आ जाएगी। सो एनी वन हु वॉन्ट्स गुड हेयर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू ऑल, दैट हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। आपने देखा होगा ऑफ लेट मैंने बी ब्लंट के काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एंड अगर नहीं देखा तो मैं वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है दे आर डिज़ाइंड बाय एक्सपर्ट हेयर प्रोफेशनल्स, इसलिए हमें जो है ना सालों जैसी बिल्कुल शाइन, स्मूथनेस, सिल्कीनेस, वो जो होता है ना जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे वाले बाल हो जाते हैं हमारे इससे। एंड आई believe that we should use the best, and B Blunt products are latest and advanced. So I am going to use B Blunt Intense Shine Shampoo and B Blunt Intense Shine Conditioner. तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा शैम्पू लेना है और गीले बालों में अच्छे से स्कैल्प के ऊपर मसाज करनी है। इट मेक्स योर हेयर 23 times शाइनियर, क्योंकि इसमें यूनिक शाइन टॉनिक फॉर्मूला है जो बालों को एकदम ग्लॉसी सालों जैसी शाइन देता है। इसमें सिल्क प्रोटीन है जो कि बालों को इलास्टिसिटी देता है ताकि बाल टूटे ना, और राइस प्रोटीन है जो बालों को स्मूथ, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाता है रूट से एंड तक। ये एक एक बाल को अच्छे से कवर करता है ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लॉस मिले और सालों जैसी शाइन घर पे ही मिल जाए। उसके बाद अच्छे से रिंस कर दीजिए शैम्पू को और कंडीशनर ज़रूर ज़रूर लगाइए। कंडीशनर को जो है ज़्यादातर आप मिड लेंथ एंड एंड्स के ऊपर लगाइए ताकि दो मुँह बाल ना आए। 3 मिनट तक के रुकिए। मैं इन 3 मिनट में जो है अच्छे से बालों को कोम कर देती हूँ ताकि एक एक बाल के स्ट्रैंड के ऊपर अच्छे से कंडीशनर कवर कर दे। बस हमारे शाइनी बाल रेडी। So guys, you can see my hair is so silky smooth that it shines. And best part is कि इसमें SLS and paraben भी नहीं है। So guys, my photoshoot is just going to begin, और मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करने वाली हूँ जो bloating tip मैंने बोली थी ना कि एक दिन पहले से photoshoot के दिन तक आप ये करें तो आपका पेट एकदम flat लगेगा। I'm just going to share that. लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ कि product के सारे link मैंने नीचे description box में दे दिए हैं। It is easily available on Amazon, Nykaa, Flipkart and also B Blunt की अपनी website पे, that is bblunt.com, जहाँ पे आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज LATAA2023। तो एक और रीज़न है क्यों मैं बी ब्लंट के ही प्रोडक्ट्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि एक अच्छा काम भी हो जाता है साथ में। जब कभी भी हम इनसे कुछ खरीदते हैं तो ये हमारा ऑर्डर लिंक कर देते हैं एक वुमन के साथ जिसे ये एम्पावर कर रहे हैं, विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लंट शाइन अकेडमी। और इनका ये एम है कि अक्रॉस द नेशन 10,000 वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं।
फ्रेंड्स, इनका ये प्रोडक्ट मैं बाद में किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, बी ब्लंट का इंटेंस शाइन हेयर मास्क, जो कि बहुत अच्छा है एंड आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है हेयर मास्क के लिए, यू कैन डू इट एट होम। तो अगर कल वेडिंग है, फोटोशूट है, कहीं पे आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे एकदम अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा दिखना है, सो व्हाट यू डू फॉर ब्लोटिंग इज़ कि आप एक दिन पहले से सादा पानी मत पीजिए। उसकी जगह पे आप क्या कीजिए कि जैसे एक बड़ा पतीला पानी का ले लीजिए, आप जितना भी एक दिन में कंज्यूम करते हो तो वो पानी लीजिए। सपोज़ एक लीटर ले लिया हमने, और एक लीटर में जो है आप एक टी स्पून अजवाइन डालिए, एक टी स्पून सौंफ डालिए और एक टी स्पून जो है जीरा डालिए। ये डाल के आप कम से कम, नहीं तो बॉयल आने के बाद सिम पे रख दीजिए उसको 5 मिनट के लिए, तो वो पानी जो है ना एक बहुत ही डिटॉक्स वाटर बोलें या क्या बोलें वो बन जाता है। एंड आप पूरा दिन ये वाला पानी कंज्यूम कीजिए, पहले भी फोटोशूट के एंड उस दिन भी। सो व्हाट हैपेंस इज दैट आपको बॉडी से जितना भी हमारे ब्लोटिंग वगैरह है वो सारी निकल जाएगी, गैस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।